दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवतावादी शक्ति का संचार करने वाला और स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला और सर्वांगीण विकास करने वाला, वैश्विक स्तर की, स्थानीय स्तर की, राज्य स्तर की, देश स्तर की सभी समस्याओं का समाधान करने वाला और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का निर्वाह करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है और सागर सी गहराई होती है और पर्वत सी ऊंचाई होती है। क्यों? कि हर विषय जो है वो सांगोपांग रूप से जो है शोध परक बनाया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है और हर वर्ग के लोगों के लिए उसके अंदर कुछ न कुछ शिक्षा की बात जोड़ी जाती है। तो इसी क्रम में आज का एक बहुत दार्शनिक विषय है वो हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है आत्मनिरीक्षण और परीक्षण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और ये सत्संग का विषय है। दो शब्द है, निरीक्षण और परीक्षण। किसका? आत्मा का। एक पूरे विश्व के अंदर, पूरे कॉस्मोस में, पूरे पर्यावरण में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पृथ्वी पूरी सृष्टि के अंदर एक अविनाशी तत्व है, वह है आत्मा। वह चेतन तत्व है और उस चेतन तत्व में संवेदनशीलता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, प्रजनन होता है, अपने जैसा जो है वो जीव को तैयार करता है और हलन चलन करता है। इस तरीके से इसके विज्ञान ने, स्वयं ने, कॉन्शियसनेस के 9 करेक्टरिस्टिक बताए हैं, यानी आत्मा और कॉन्शियसनेस के 7 के अंदर विज्ञान और अध्यात्म दोनों सहमत हो रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आत्मा हमारा अस्तित्व है। अगर आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो राम नाम सत होता है। हम आपको बतावें कि जब कभी ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल बीमारी की अवस्था के अंदर, उसकी लास्ट जो है वो ऑन लास्ट बेड स्टेट के अंदर होता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसका हलन चलन करता है और जो ही उसकी डेथ हो जाती, डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि नाउ इज डेड, तो उसके अंदर उसकी बॉडी की हलन चलन रुक जाती है और इस बॉडी का जो है वो धीरे धीरे सारा ब्लड है वो पानी के अंदर बदल जाता है और वह व्यक्ति को, इस शरीर को जला दिया जाता है। क्यों जला दिया जाता है? क्योंकि शरीर नाशवान है और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, गंध नहीं होता, रस नहीं होता, स्पर्श नहीं होता। आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, आत्मा अनंत दर्शन वाला है, आत्मा अनंत शक्ति वाला है और आत्मा अनंत सुख का भंडार है। हर व्यक्ति जो है सुख चाहता है। इस दुनिया के अंदर कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, लेकिन जो दुख हमें मिल रहा है वह दुख क्या है? एक दुख के बाद में सुख आता है, फिर दुख आता है। ये साइकिल चलती रहती है क्योंकि ये पूरी एक साइकिल है। लेकिन अगर अक्षय सुख चाहते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करने के लिए हम कहां जाएं? आत्मनिरीक्षण करने के लिए हमारे भीतर जो विराजमान प्रभु है, विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी शरण में जाना चाहिए, यानी हमारे भीतरी जगत के अंदर जाना चाहिए। और परीक्षण करने के लिए हमें बाहरी जगत के अंदर, जो हमारा व्यवहारिक जगत है, व्यवहार का जगत है, लौकिक जगत है, उसके अंदर आना चाहिए। तो हम पहले निरीक्षण करते हैं कि हम भीतर जाते हैं तो हमारा जो ये दर्शन केंद्र है, ये हमारा जो आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र पर उगता हुआ सूरज का जो कलर, जो गुलाबी रंग का कलर होता है, वो शांति देने वाला कलर है, उस कलर को यहां पर स्थापित करके और हम भीतर जाएं, भीतर जाते रहें, भीतर जाते रहें, भीतर जाते रहें, तो हमें इस आत्म साम्राज्य का, हमारे प्रभु का, हमारे भगवान का, हमारे शुद्ध आत्मा जो अंदर विराजमान है, उसके साम्राज्य के दर्शन होते हैं। वैसे तो आत्मा का कोई भी रूप नहीं होता है, कोई भी शरीर नहीं होता है, लेकिन उसको सिंबॉलिक रूप से जो है हम बताएं तो 3 तरह के कलर की स्ट्रिप्स हमें भीतर मिलेगी। पहला जो कलर है हमारा गुलाबी रंग का कलर, चमकता हुआ पिंक कलर है, ये हमें शांति देता है। दूसरी स्ट्रिप जो है वो हल्दी के जैसा चमकता हुआ पीला कलर जो है वो हमें आनंद देता है। और तीसरा जो है कलर जो है उसकी स्ट्रिप बनावे तो वो हमें एकदम चमकता हुआ व्हाइट कलर है, वो प्योरिटी है।
वह प्योरिटी जो है वो हमें सिद्धि तक ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है, वह प्योरिटी जो है वो हमें मुक्त करती है। इन तीनों के भीतर दर्शन होते हैं चमकते हुए कलर का, वही हमारे प्रभु का एक सिंबल है, प्रभु का एक निशान है। और उस प्रभु की शरण में बैठ करके हम जो प्रभु से वार्तालाप करें और प्रभु से क्षमा याचना करें कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे द्वारा इतने जन्म के अंदर कोई भी 18 तरह के कुल पाप जो गिने जाते हैं वो मैंने कुछ किए हो, मन से किए हो, वचन से किए हो, काया से किए हो, और 84 लाख जीवायों से प्राणियों से किए हो, तो आपकी साक्षी मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जो भीतर विराजमान है वो अव्यभात आत्मा है, वो बॉन्डेड है, वो जो है वो घिरा हुआ है, उसके ऊपर आवरण आए हुए हैं, इसीलिए शरीर के अंदर है। उस आवरण से मुक्त करने के लिए हम उस आत्मा को दर्शन करते हैं और संकल्प लेते हैं उनके सानिध्य में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप बॉन्डेड हो, आप जो इस जेल रूपी शरीर रूपी कारावास के अंदर जकड़े हुए हो, मैं आपको मुक्त कराऊंगा। उसको मुक्त कराने के लिए क्या होता है, उसका निरीक्षण करना होता है, सेल्फ रियलाइजेशन करना होता है। इस दुनिया में सबसे जो कठिन काम है वो सेल्फ रियलाइजेशन है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, दुनिया की, और आज गूगल के अंदर जाते हैं तो एक एक चीज का ज्ञान का हम पता लगा देते हैं विश्व के अंदर क्या हो रहा है, और जब स्वयं की बात आती है तो हम स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम आत्मा का निरीक्षण नहीं करते हैं। आत्मा से इंट्रोस्पेक्शन करना, भीतर जगत के अंदर जाना, आत्मा से वार्तालाप करना, आत्मा के सान्निध्य के अंदर बैठना, मेडिटेशन करना आत्मनिरीक्षण है। और जितना जितना आत्मनिरीक्षण होता जाता है उतनी उतनी प्योरिटी बनती, निज स्वरूप को जब प्राप्त किया जाता है तो आत्मा जो है ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। और जैसे जैसे आत्मा को हम देखते हैं, इसका निरीक्षण करते जाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने जाते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और सेल्फ रियलाइजेशन होने के साथ साथ उसके ऊपर जितनी अशुद्धि है वो अशुद्धि धीरे धीरे अपने आप जो है गायब होने लगती है। मात्र हमें शुद्ध आत्मा का चिंतन करना है, निज स्वरूप का चिंतन करना, चिंतन करने से वह अशुद्धि धीरे धीरे दूर हो जाती है। यह निरीक्षण का जो है मुख्य कार्य है, और इसीलिए निरीक्षण किया जाता है। अब हमने आत्मा नगर निरीक्षण प्रारंभ कर दिया, रोज प्रतिदिन हम जो है ईश्वर प्राणिधान करते हैं, हम ध्यान करते हैं, भीतर जाते हैं, आत्म साम्राज्य में जाते हैं, आत्मा के साथ के अंदर हम वार्तालाप करते हैं, आत्मा को रिझाते हैं और इसके गुणों को देखते हैं। हमें आत्मा के जो गुण है ना, उन गुणों का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना चाहिए, और हर सांस के साथ के अंदर ये चिंतन होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमें अपने अस्तित्व को ध्यान रखना चाहिए। बात यह है कि हम बाहर की चकाचौंध के अंदर इतने जो मशगूल हो गए हैं कि हमारे अस्तित्व को भूल गए हैं, और अस्तित्व के साथ के अंदर जो कर्म रज है, जो कषाय है, जो राग द्वेष है, और जो लुभावना जो है ये संसार है, उसके अंदर जो है हम मग्न हो गए हैं, और उसी कारण से आत्मा को भूलते जा रहे हैं। भूलने से जो है हमारी शुद्धि नहीं होती है, और हमें वह स्थिति जो प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं होनी होती है। इसीलिए हमें सब कुछ प्राप्त करना है तो आत्मनिरीक्षण करिए, और जैसे जैसे आत्मा का सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा हमें रिद्धियां प्राप्त होगी, सिद्धियां प्राप्त होगी, और सबसे बड़ी बात आनंद प्राप्त होगा, रोम रोम के अंदर आनंद होगा, और हम जो है वो राग द्वेष का, प्रियता अप्रियता का, और दूसरा है मेरिट और वर्च्यू का, जो ये जो जो भेद चल रहा है उस भेद के अंदर अपने आप हम संतुलित हो जाएंगे। हम गीता की भाषा में बात करेंगे तो स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे और प्रज्ञा चक्षु बन जाएंगे। हमारी जो प्रज्ञा है, जो भीतर विराजमान प्रज्ञा है, वो मोक्ष की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है। और बुद्धि जो हमें भटकाती है, हम प्रारंभ से चलें तो हम पहले, हमारा ये शरीर है, शरीर के बाद इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद मन है, मन के बाद में चित्त है, चित्त के बाद अहंकार है, अहंकार के बाद में बुद्धि है, और बुद्धि के बाद में प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा के बाद में हमारा अस्तित्व जो आत्मा है, आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव प्रज्ञा है। हमें उस प्रज्ञा को जगाना है, और प्रज्ञा के जगत में हमें चले जाते हैं, हमारी जागृति होती है, अनुभव बढ़ता है, और अनुभव किसका बढ़ाना, अनुभव में अपने अस्तित्व का बढ़ाना। तो ये सारा आत्मनिरीक्षण की बात होगी। अब आत्म परीक्षण हम करना चाहते हैं तो आत्म परीक्षण बाहर के जगत में होता है। क्यों? आत्मनिरीक्षण तो जो अरूपी है
वो तो अनुभव किया जा सकता है, उसका परीक्षण करने के लिए। अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, अभी हम शरीर में हैं, उसका परीक्षण करके लिए बाहर के जगत में जब आते हैं, हम परिवार के बीच में रहते हैं, तो प्रियता प्रियता राग द्वेष और जो है क्लेश और जो है तू तू मैं उसके बीच के अंदर हम संतुलित रहते हैं, और हमारी विचारधारा जो है प्रात मनोवचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना, ये विचारधारा बन जाती है, और हर व्यक्ति को और हर प्राणी को है आत्म तुलावत समझने लग जाते हैं, और हम ये मानने लग जाते हैं जो चीज हमको अच्छी नहीं हो दूसरों के साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ये जो हमने भीतर निरीक्षण किया है उसका रिफ्लेक्शन बाहर आता है, काम भीतर होता है, उसकी उसकी अनुभूति और उसका परीक्षण बाहर होता है, इसीलिए विषय लिया गया आत्मनिरीक्षण और परीक्षण। और जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करेगा और निज स्वरूप में रहेगा, वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं मानेगा, वो ये मानेगा कि सामने वाला व्यक्ति तो बेचारा निमित्त है, इसका क्या दोष हो सकता है, ये तो व्यक्ति कोई भी मुझे कष्ट दे रहा है तो ये मेरा हिसाब है, उस हिसाब को चुकता करा मुझे एनओसी दे रहा है, और ये जन्म जन्मांतर का हिसाब जो राग द्वेष का है, जो ये हमारे दोषों का हमारे पापों का है, कोई उस हिसाब के अंदर लेता है और कोई देता है, और ये डेबिट चलती है और क्रेडिट, जितनी भी दुनिया में डेबिट क्रेडिट चलती है वो हमारे आपस के अंदर किए गए व्यवहार के कारण है। कोई किसी को सुख देता है तो उसको सुख मिलता है, कोई दुख देता है तो दुख मिलता है। एज यू सो सो वी विल रीप इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आवर कर्मा। जैसा आप जो है बोओगे वैसा काटोगे, और जैसा जो है आप जैसी करनी करोगे वैसा आप भरोगे, जैसा आप कॉज डालोगे वैसा आपका इफेक्ट होगा। ये एक जो है परमानेंट रूल है, ये शाश्वत रूल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, और ये बाहरी जगत के अंदर दिखाई देता है, और भीतरी जगत के अंदर जब हम अनुभव करने लगते हैं तो बाहर आता है। हमारा जीता भीतर का सौंदर्य है, भीतर का शुद्धिकरण है, वो बाहर दिखाई देता है। जो है वो आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति, निज स्वरूप में रमण करने वाला व्यक्ति, वह कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा, वो किसी को कटु शब्द नहीं बोलेगा, किसी की इंसल्ट नहीं करेगा, किसी का अनादर नहीं करेगा, और प्राणी मात्र के अंदर वह जो है वो अपने जैसा ही रिफ्लेक्शन देखेगा। वो 84 लाख जीवायोनि के प्राणियों को निर्दोष मानेगा कि इनका कोई दोष नहीं, और वास्तव में इस समग्र सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनको निर्दोष मानो, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, वह दोष हमने अर्जित किया है, इस कारण से वह निमित्त बन करके और उस दोष का जो है हमें रिएक्शन दे रहा है, उस दोष का डेबिट क्रेडिट करके हमारा अकाउंट क्लियर कर रहा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस एपिसोड को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर देखें कि जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण और परीक्षण के अंदर लग जाता है उससे क्या लाभ है। उससे बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि हमारा अस्तित्व आत्मा है। हम कुछ भी कार्य करें, अगर हमारा भीतर का जो सोल है वह नहीं है तो फिर हमारा अस्तित्व क्या है। हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, और आज बड़ी विडंबना है कि हम अपने अस्तित्व को भूल करके जो हमारा अस्तित्व नहीं है वो रॉन्ग बिलीफ है। जो मेरा नहीं है उसमें हम मेरा होने का रोपण करते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा धन, मेरा दौलत, और सारा मेरा मेरा मैं मेरा मैं मेरा करते करते सारा जीवन भर उसके अंदर लुप्त रहते हैं, उसमें अटैचमेंट के अंदर रहते हैं और पूरा जीवन यूं ही खपा रहे। नॉर्मल व्यक्ति यही करता है, लेकिन आत्मनिरीक्षण परीक्षण करने वाला व्यक्ति जो है वो अपने न्यारा रहेगा, वो भेद विज्ञान करेगा, वो मोक्ष विज्ञान करेगा, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, वह भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से जो अपने शरीर से, जैसे कि मेरा नाम सोहन राज है तो मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से मेरी प्रज्ञा है, वो बुद्धि से बात करेगी कि तुम सोहन राज के मन वचन काया, सोहन राज की बुद्धि कहाँ जा रही है, वो क्या कर रही है, वो उचित कर रही है, अनुचित कर रही है, उसको गाइडेंस देगा, क्योंकि प्रज्ञा जागृत हो चुकी है। प्रज्ञा कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाती, बुद्धि भटका देती है। बुद्धि प्रियता करती है, अप्रियता करती है, अटैचमेंट करती है, राग करती है, दोष करती है, और दूसरा जो सुख में चली जाती है, दुख में चली जाती है, लेकिन प्रज्ञा जो है वो हमेशा एक शाश्वत जो हमारा सुख है उसमें रहती, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करती है। प्रज्ञा को जागृत करना, निरीक्षण और परीक्षण से
से क्या होगा कि हमारी प्रज्ञा जागृत रहेगी और हम हर वक्त संतुलित रहेंगे और हमारा जो ये जीवन है वो जीवन और सार युक्त हो गया। अगर हमें जीवन का सार निकालना है तो आत्मा का निरीक्षण करो और उसका बाहर परीक्षण करो कि हमारे को कोई भी गाली दे रहा है तो हमारे भीतर के अंदर कोई उतार चढ़ाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारी कोई प्रतिष्ठा हमें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे सामने भोजन अगर ठंडा मिल रहा है और हमारी इच्छा के प्रतिकूल चीज हमारे सामने आ रही है, हमें बराबर बैठने को स्थान नहीं मिल रहा है, सोने को स्थान नहीं मिल रहा है, तो क्या उसके हमारे भीतर के अंदर कोई उतार चढ़ाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो प्रज्ञा चक्षु होगा, जो आत्मा का निरीक्षण परीक्षण करने वाला होगा, वो भीतर सम रहेगा। यानी आत्म निरीक्षण और परीक्षण संभाव लाता है, संतुलन लाता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में संतुलन होता है वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, और सुखी व्यक्ति दूसरों को सुख दे सकता है, शांत व्यक्ति दूसरे को शांत नहीं कर सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े महान संत होते हैं जिनके पास में इतनी रिद्धि होती है, सिद्धि होती है, इनको वचन सिद्धि होती है, उनकी उनके साये में, उनके सान्निध्य में बैठने से हमको कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है, कितनी शांति मिलती है। हम सत्संग करते हैं और मन यही कहता है कि यहीं बैठे रहें, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है। कितने बड़े टेंशन और तनाव में हो और ईश्वर भक्ति के अंदर लग जाते हैं, मेडिटेशन करने में लग जाते हैं और भगवान की चैंटिंग करने लग जाते हैं, दर्शन करने लग जाते हैं, जिन बिंब के दर्शन करने लग जाते हैं, तो हमारी विचारधारा बदल जाती है और हम मानने लग जाते हैं कि जो कुछ तुम दिख रहे हो वो नहीं हो, तुम तो उससे परे हो, ये तो नाशवान है, ये शरीर तो नाशवान है, लेकिन अजर अमर है। हमारी देशी भाषा में बात करूं तो हंसा है, उस हंसे की हमें प्रतिष्ठा करनी है, उसका निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक हंसा नहीं उड़े तब तक कोई भी अच्छा कार्य करते रहो। अच्छा कार्य क्या है उसका निरीक्षण करो, उसका परीक्षण करो, उसका इंट्रोस्पेक्शन करो, उसका रियलाइजेशन करो, ये सबसे बड़ा कार्य है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करें तो 7 अरब की जनसंख्या अगर सत आत्मवत्त हो जावे, अपने अस्तित्व के अंदर रख जाए, जो हमारा अस्तित्व है वो अव्यवाद है, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, किसी को तकलीफ नहीं दे, उसमें तकलीफ देने की क्वालिटी है ही नहीं, हमारी नहीं, प्राणी मात्र की अव्यवाद शुद्ध आत्मा कोई किसी को कष्ट नहीं देती, और अव्यवाद आत्मा की दूसरे अव्यवाद आत्मा से बात होती है, वहां टेलीफोन और तार की जरूरत नहीं होती, मात्र जो है हमें अगले वाले की अव्यवाद आत्मा को याद करना होता है और उसे क्षमा मांगने से वो आत्मा हमें क्षमा कर देती है, हम उनको क्षमा कर देते हैं। इसीलिए आत्म निरीक्षण परीक्षण करने के लिए हमें प्रातःकाल का जो अमृत मुहूर्त होता है और जिसके अंदर की एकदम शांत वातावरण होता है, उसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों की अव्यवाद आत्माओं को आह्वान करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनको प्रणाम करके उनको निमंत्रण देना चाहिए, आप सभी आओ और आपसे मैंने जन्म जन्मांतर के अंदर संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत आप किसी से, मैंने मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कुछ भी कष्ट दिया है तो मैं शुद्ध अंतरिक्ष क्षमा याचना करता हूं, आप मुझको क्षमा करो, मैं उनको मैं आप सभी को क्षमा करता हूं, मैं सभी आपको एनओसी दे रहा हूं, एक दूसरे की एनओसी लेंगे, सब हमने जन्म जन्मांतर के अंदर किए गए जो हमारे पाप, हमारे दोष, हमारे कुकृत्य किए गए हैं, उनकी क्षमा याचना करने से, उनका प्रतिक्रमण करने से, एनओसी मिलने से हमारी मुक्ति होगी, हमें हम सिद्ध बुद्ध होंगे और हमें जो मुक्ति प्राप्त होगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस सुंदर विषय का जो है सांगोपांग विवेचना हमने की, इसको जीवन में ढालना चाहिए और आत्म निरीक्षण करने के लिए भीतर जगत के अंदर गोते खाने चाहिए, भीतर जगत में जाने के लिए हमारा जो श्वास है और हमारा जो शरीर है दोनों बड़े साथी है, शरीर के अंदर कायोत्सर किया जाना चाहिए। कायोत्सर का मतलब होता है काया का उत्सर करना, काया में रहते हुए भी काया का भान नहीं होना, विदेह होना, उसको कायोत्सर कहा जाता है। कायोत्सर करेंगे तो हमारा बिल्कुल शरीर शिथिल हो जाएगा, हमको इसका भान होगा कि हमको शरीर है ही नहीं है और वही आत्मस्वरूप है, वही आत्मनिरीक्षण है। और श्वास जो है हम लंबा करेंगे, हम गहरा लेंगे और श्वास का लंबा लंबा अंदर जाएगा, अंदर बाहर आएगा तो शिथिलीकरण होगा, शिथिलीकरण होने से हमारा कायोत्सर्ग अच्छा होगा और हमारी आत्मानुभूति के अंदर, आत्मनिरीक्षण के अंदर हमें बड़ा सहयोग मिला। ये हमारे दो बहुत अच्छे मित्र हैं,
ये हमारा श्वास और शरीर ऐसे मित्र हैं कि हम कोई तरह की साधना करना चाहते हैं, उच्च साधना करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, हम शास्त्र सार में जाकर के और अपना ज्ञान का केंद्र जो है खोलना चाहते हैं, इन दोनों का सहयोग लिया जाए। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो इतना पवित्र है और वो इतना अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जो हम चाहते हैं बाहरी जगत के अंदर जो है हमें जो सुख मिल रहा है इंद्रियों का, वो तो मात्र एक क्षणिक सुख है, उसके बाद के अंदर दुख आ जाता है, लेकिन भीतर जो अनंत सुख का खजाना है वो कभी भी समाप्त नहीं होना होता है और वो शाश्वत होता है। इसीलिए मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए हम जो मोक्ष चाहते हैं, हम बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हम जितना जितना भीतर प्रवेश करेंगे, मान लीजिए हम पूर्ण मुक्ति नहीं मिले, लेकिन आज की जो हमारी समस्याएं हैं, आज मनुष्य जीवन की व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, व्यवसायिक समस्या, जितने भी तरह की समस्याएं मनुष्य के लिए टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, उन सब में अगर व्यक्ति अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को साक्षी रख करके और उसको याद करे, उसका निरीक्षण करे, बाहरी जगत के अंदर उसका परीक्षण हो ही जाता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति बड़ा आनंद के साथ मिलेगा। और जितना जितना यह आनंद हमारे जीवन में है, हमें दुखों में भी अगर दुख महसूस नहीं होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की आत्मा हो क्योंकि आप इसको बराबर देख रहे हो और लोगों को देखने का जो है आप जो प्रोत्साहन कर रहे हो, लोगों को देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। इस कार्यक्रम को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो जब आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से हमको पसंद आता है, क्योंकि वक्ता और श्रोता के बीच में तारतम्य हो जाता है, तब आनंद की अनुभूति होती है, तब आनंद जो है वो जागृत होता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत खूब खूब आपके प्रति शुभकामनाएं। आप खूब आनंद के साथ जीवन यापन।